नमस्कार जी, मैं इनवी क्लब सोलन की प्रधान प्रियंका अग्रवाल। आज 30/9/2020 को ये मशीन हमें यहाँ पे इंस्टॉल की है डांगरी में भूषण जी के द्वारा। ये हमारा एक्चुअली क्लब का एक प्रोजेक्ट है जो हमें डिस्ट्रिक्ट से मिलता है। हर साल कुछ ना कुछ नया नया चलता रहता है। इस साल हमें ये काउ डंग मशीन के बारे में बताया गया कि आप इसको ऐसे से लगाइए और इसके ये फायदे हैं। तो ये इन्वायरमेंट पे बेसिक ये इन्वायरमेंट के लिए, जिस तरह से हमारे क्षेत्र में जंगल काटे जा रहे हैं इतनी बुरी तरीके से, सड़क बनाने के लिए जंगल में आग लग जाती है, उस हर चीज़ के लिए। अगर हमारा शमशान घाट में ये जो चाहते हैं, बेसिक हमारा है कि जब शमशान घाट के लिए ये लकड़ी जाएगी तो एक पेड़, दो पेड़, तीन पेड़ कटने से बच जाएंगे। बेसिक हमारा यही है कि इन्वायरमेंट के लिए किसको बचाया जाए। और ये हमारे हिमाचल में पहली मशीन है जो यहाँ पे इंस्टॉल की गई है डांगरी में और इनर व्हील क्लब के द्वारा, जहाँ आज मेरे सभी क्लब के मेंबर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, एडिटर, ISO, ट्रेजरर, सभी क्लब मेंबर्स यहाँ पे सभी ही शामिल हैं। और ये सबकी सहमति से और सबके योगदान से हमारा आज हुआ गया है। और मेन हमारे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के और पहले हमारे क्लब के ये मेंबर है संगीता त्रहिन जी, जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया इस चीज़ के लिए कि नहीं प्रियंका, आप इस चीज़ को करो, देखो इसके बारे में, पूछो कहाँ है, कैसे बनता है। आपको ये जानकारी कहाँ से मिली थी, कहीं आपने देखा था या किसी ने आपको बताया था? डिस्ट्रिक्ट से पता चला था, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन कांता जी हैं उन्होंने हमें इसके बारे में बताया गया था कि ये एक मशीन है, आप इसके बारे में देखो। फिर मैंने बहुत ज़्यादा सर्च आउट किया, बहुत जगह वीडियोज़ देखे, देखा सोशल मीडिया पर जाके देखा, ये अहमदाबाद जाके मैंने बात की, मतलब ऑन फोन, तो वहाँ से मुझे इस चीज़ के बारे में पता चला कि इस तरह की मशीनें बनाई जाती हैं। जैसे कि आपने कहा कि इसे शमशान घाट या किसी और जगह पर इस्तेमाल किया जा सकता है, क्या इसे घर के लिए भी जो है वो यूज़ किया जा सकता है? जी बिल्कुल, इसमें कोई ऐसी चीज़ मिक्स नहीं की जाती है कि जिससे हम हवन में, पूजा में, अपने घरों के अंदर जब गाँव के लोग लगाते हैं सर्दियों में जब भी, तो इस चीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल ही प्योर चीज़ से बनता है, इसमें कोई मिलावट नहीं होती है। कैसे एक हम कह सकते हैं रॉ मटेरियल वुडन ब्लॉक बनकर जो है वो निकलता है, क्या इसका प्रोसेस रहता है, गोबर में क्या मिलाया जाता है, कितने समय तक उसे सुखाना पड़ता है, और अगर हम केजी इनटू रेशो बात करें वुडन ब्लॉक्स की तो वो किस तरह की रहेगी? ये मशीन 3 से 4 घंटे काम कर सकती है। ओके, कंटिन्यूअसली। हाँ, कंटिन्यूअसली काम कर सकती है और इसमें 2 से 3 आदमी काम कर सकते हैं, 2 आदमी इजीली काम कर सकते हैं, ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती इस मशीन में। और इस वुडन के लिए, जब ये वुडन काउडंग से बनता है तो हमें इसके लिए 3 से 4 दिन पुराना गोबर चाहिए होता है। ओके। सिर्फ 3 से 4 दिन, और इसके बीच कुछ भी मिक्स नहीं किया जाता है, पानी कुछ नहीं किया जाता है। अगर हमें क्वांटिटी बढ़ानी है, थोड़ा बुरादा होता है लकड़ी का, हम वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी वुडन ब्लॉक्स, यस, तभी इसको। इसमें कुछ ऐसा रहता है कि सिर्फ गाय का गोबर या भैंस होती है या कुछ और होता है? गोबर है इसमें, गाय भैंस का नो इशू, इट्स कॉमन। तो क्या अब आपकी यहाँ से उम्मीदें हैं कि किस तरह से, अब जब यहाँ पर ये इंस्टॉल कर दिया गया है आप लोगों के द्वारा, तो क्या क्या फ़ायदे यहाँ पर सोलन वासियों को होने वाले हैं, या फिर बात करें हम शमशान घाट की, किस तरह से जो है वो यहाँ के इन वुडन ब्लॉक्स को जो है वो इस्तेमाल में ला जा सकते हैं? ये हम सब मिलके ही पूरे हिमाचल, पूरे बेसिकली तो पूरे सोलन शहर, सबके लिए ये एक बहुत अच्छी एक योजना है काउडंग मशीन। हम चाहते हैं इसको हर तरीके से सोशलाइज, पब्लिसाइज किया जाए ताकि हर लोगों को, हर जगह के लोगों को पता चल सके और वो सीधा हमसे या गौशाला से, इनर व्हील क्लब से या गौशाला से, भूषण जी से, सबसे इस बारे में पूछें और उनसे ही इसका वो करें और सब लोगों को ये पता चले और शमशान में सबसे पहले इसको यूज़ किया जाए। जी, और कहते हैं कि कहीं ना कहीं अगर गोबर की बात करें हम या गौमूत्र की बात करें तो हिंदू धर्म के हिसाब से या किसी भी अगर एस्पेक्ट में बात करें तो बहुत ज़्यादा शुद्ध इसे माना जाता है।